हाँ बेटा, तो आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट होगी, द हैप्पी प्रिंस, सेकेंड यूनिट, ठीक है, क्लास 10। तो अभी हम लोग इसके राइटर के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि लिखा किसने। एक्चुअली लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने, ही वॉज एजुकेटेड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डब्लिन एंड देन एट मैगडलन कॉलेज ऑक्सफोर्ड, ठीक है। ही रोट सेवरल स्पार्कलिंग कॉमेडीज, नॉवल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है। हिज ब्रिलियंस इज एन आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग इज वाइडली एक्लेम्ड, मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा इसके लिए प्रशंसा मिली हुई है। द शार्पनेस ऑफ हिज विट प्रेजेंटेड हिम एज अ राइटर ऑफ लास्टिंग मेरिट्स, ठीक है। इन द स्टोरी ही डिस्क्राइब द पथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ऑल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द रिच। द स्टोरी टीच पीपल टू हैव लव एंड कंपैशन फॉर द पुअर एंड द नीडी। इट ऑल्सो हाईलाइट दैट गुड एक्शंस, चैरिटी, कंपैशन ब्रिंग एंड्यूरिंग पीस एंड हैप्पीनेस। तो ये बता रहे हैं कि इसमें, इस स्टोरी में उन्होंने ये बताया है कि एक्चुअली में अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, जैसे कि गरीबों के साथ क्या अत्याचार होते हैं और अमीरों को कितनी ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में ये बताया गया है कि एक हाई अबव द सिटी अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। एक स्टैचू बनाया गया है एक हैप्पी प्रिंस का। हैप्पी प्रिंस उसे क्यों बोला गया, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो प्रिंस था, इसने अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ में कभी भी सैड नहीं देखा है, मतलब पूरी लाइफ में सिर्फ ये खुश रहा है, कभी इसने कोई दुख नहीं देखा है इसी, और वो अपनी ज़िंदगी पूरी ख़त्म कर दिया, तो उसके ज़िंदगी में कभी भी दुख नहीं आया, इस वजह से उसे क्या कहा जाता था, हैप्पी प्रिंस। ऐसे कैरेक्टर है हमारा, ठीक है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर द विद इन द फाइन एंड गोल्ड। तो जो इसके जो बॉडी है वो किससे बनाई गई है, गोल्ड से बनाई गई, ठीक है। तो गोल्ड से इसकी पूरी बॉडी को बनाया गया है, मतलब लीव्स इसकी पूरी बॉडी पे लगे हुए हैं, गोल्डन लीव्स। और क्या है, फॉर आईज, इसकी आईज में क्या है, टू ब्राइट सेफायर्स, मतलब इसकी आंखों में दो ब्राइट सेफायर्स लगाए गए हैं। सेफायर यानी कि वो स्टोन्स होते हैं, बहुत मतलब प्रीशियस होते हैं। अ लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड गिल्ट, मतलब उसके हाथ में एक स्वॉर्ड है जिसके ऊपर क्या लगा है, रूबी ग्लोड, ठीक है, रूबी लगा हुआ है। अभी ये स्टार्ट होती है स्टोरी के, इसकी जो मतलब ये जो स्टोरी है, इसके स्टैचू की स्टोरी है, ठीक है। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, वो बहुत ज़्यादा एडमायर्ड था। ही इज़ एन एज ब्यूटीफुल एज अ वेदर कॉक, तो जैसे पंछी रहते ना जो मतलब जो सीजन के हिसाब से उड़ते हैं, तो उनके जितना खूबसूरत था वो। रिमार्क वन ऑफ द टाउन काउंसिलर हु विश टू गेन अ रेपुटेशन फॉर हैविंग आर्टिस्टिक टेस्ट, ओनली नॉट क्वाइट सो यूजफुल, ही एडेड फियरिंग लेस्ट पीपल शुड थिंक हिम अनप्रैक्टिकली विच ही रियली नो वॉज नॉट। मतलब एक्चुअली जो काउंसिलर है स्टेट का, वो चाहता नहीं था कि इसके बारे में उतना अच्छा समझे जितना लोग पहले एक्चुअली में रहे, ठीक है। वाई कांट यू बी लाइक हैप्पी प्रिंस, तो वो चांसलर कहता है क्यों आप हैप्पी प्रिंस नहीं बन सकते। आज द सेंसिबल मदर ऑफ अ लिटल बॉय हु वॉज क्राइंग फ्रॉम द मून, तो एक जो बेचारा लड़का है वो मून को देख के रोता है, तो उसकी माँ उसे कहती है कि तुम क्यों हैप्पी प्रिंस नहीं बन सकते, तुम क्यों हैप्पी प्रिंस की तरह नहीं रह सकते, खुश रहो, ऐसा एग्जाम्पल दे रही है। द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग, हैप्पी प्रिंस कभी रोता नहीं था, और वो भी किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आई एम ग्लैड दैट देर इज़ सम वन इन द वर्ल्ड हु इज़ क्वाइट हैप्पी, तो उसकी माँ को बड़ी खुशी है कि कोई ऐसा रहा है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशी देखा है, खुशी देखी, कभी दुख नहीं देखा। मटर अ डिसअपॉइंटेड मैन एज ही गेज्ड एट द वंडरफुल स्टैचू, तो उसने कहा कि इतना अच्छे इंसान जब गया भी, मतलब जब वो मर भी गया, तो उसका एक स्टैचू बनाकर इतना खूबसूरत रखा गया, ठीक है। ही लुक्स जस्ट लाइक एन एंजल, तो उसने कहा कि वो जो बिल्कुल एक एंजल की तरह लगता था। सेड द चैरिटी चिल्ड्रन, मतलब उसके जो बच्चा है वो कहता है कि वो बिल्कुल एक एंजल की तरह दिखता है। एज दे केम आउट ऑफ द कैथेड्रल इन देयर ब्राइट स्कारलेट क्लोक एंड देयर क्लीन वाइट पिनाफोर्स, तो एक्चुअली में जो भी ये दूसरे कोई बच्चे की बात हो रही है जो चैरिटी चाइल्ड बाहर निकला है चर्च के, तो वो कहता है कि वो बिल्कुल एंजल की तरह दिखता है। हाउ डू यू नो, सेड द मैथमेटिकल मास्टर, तो मैथमेटिकल मास्टर पूछता है उससे कि तुमको कैसे पता, यू हैव नेवर सीन वन, तो उसने तुमने तो उसे देखा ही नहीं है, तो बोलता आह बट वी हैव इन आवर ड्रीम्स, तो उसने कहा कि नहीं मैंने इसे ड्रीम में देखा है, ठीक है। जो बच्चा है वो रिप्लाई करता है, द मैथमेटिकल टीचर मास्टर फॉन्ड एंड लुक वेरी सिवरर फॉर ही डिड नॉट अप्रूव द चिल्ड्रन ड्रीमिंग, तो उसे ये लगता है कि ये बच्चा मजाक ही कर रहा है, इसे कोई सीरियस नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी स्टोरीज हैं, दो स्टोरीज है, एक माँ बच्चे की थी और एक अभी एक जो चर्च से बच्चा निकला उसकी है। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी लिटिल स्वालो, तो वहाँ से एक रात को एक स्वालो गुजर रहा होता है। हीज फ्रेंड हैड गॉन अवे ऑफ इजिप्ट सिक्स वीक्स बिफोर ही हैड स्टेड बिहाइंड, तो छः वीक पहले उसके जो दोस्त हैं वो जा चुके हैं और ये अभी भी यहीं पर रुका हुआ है। फॉर ही वॉज इन लव विद द मोस्ट ब्यूटिफुल रीड, तो वो एक ब्यूटिफुल रीड के साथ प्यार में होता है, रीड मतलब एक चीज़, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत दिखती है।
ही हैड मेट हर अर्ली इन द स्प्रिंग एज ही वॉज फ्लाइंग डाउन द रिवर आफ्टर बिग येलो मॉथ. तो वो जब यहाँ से मतलब तैर के उड़ के जा रहा था तब उसे ये दिखी थी. एंड हैड बीन सो अट्रैक्टेड बाई हर स्लेंडर वेस्ट दैट ही वॉज ही हैड स्टॉप्ड टू टॉक हर टू हर. तो उसने रुक गया और उससे बात करने लगा. ठीक है, तो शैल आई लव यू, सवाल वो उससे कहता है क्या मैं तुम्हें उससे प्यार कर सकता हूँ, ये सवाल पूछ रहा है. ठीक है, एक्चुअली ये कल हम करेंगे. यहाँ तक कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी, कुछ नहीं समझना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि हैप्पी प्रिंस की स्टोरी चल रही है. हैप्पी प्रिंस ने अभी तक के सिर्फ खुशी देखी है, कुछ लोग उसके एग्जांपल्स देते हैं और बाकी एक सवाल वहाँ पे आया है उसकी मूर्ति के पास. अब यहाँ से मूर्ति की स्टोरी स्टार्ट होगी और ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है. ठीक है,